दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी SSSC भर्ती 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। यूपी SSSC ने जूनियर असिस्टेंट पदों पर 1186 पदों की रिक्रूटमेंट जारी किया है। जो भी कैंडिडेट 12वीं पास हैं और उनके पास SSSC की योग्यता है वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन सभी राज्यों से आमंत्रित किए जाएंगे। तो चलिए इस भर्ती से रिलेटेड जो भी शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पोस्ट की नेम है यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट जनरल रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2019 है और जो पोस्ट हुई थी यानी इस जो रिक्रूटमेंट की डेट निकली थी वो 26 जून 2019 को शाम को 5:24 पे पोस्ट हुई थी। और जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है हम वो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंट सिलेक्शन सर्विस कमीशन हैज़ रिसेंटली इन्वाइटेड टू ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट जनरल रिक्रूटमेंट 2019। दो कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग वैकेंसी एंड हैव ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। यानी कि जो भी कैंडिडेट इस पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो अप्लीकेशन फ़ीस है वो किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए जो अप्लीकेशन फ़ीस है वो मात्र ₹185 है, जबकि SC और ST कैंडिडेट के लिए मात्र ₹95 फीस लगेगी और जो हमारे PH यानी विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए मात्र ₹25 फीस लगेगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेट है वो देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 26 जून 2019, यानी कि जो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है वो 26 जून 2019 से। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो 20 जुलाई 2019 होगी और जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट होगी वो भी हमारी 20 जुलाई 2019 होगी। नेक्स्ट है कि सबमिट फाइनल फॉर्म, तो फॉर्म को सबमिट करने की जो फाइनल डेट होगी वो भी 20 जुलाई 2019 होगी, जबकि करेक्शन की लास्ट डेट होगी वो 27 जुलाई 2019 होगी। यानी कि किसी कैंडिडेट को अपने फॉर्म में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है तो 27 जुलाई 2019 तक कर सकता है और एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी नोटिसफाइड कर दी जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड की भी डेट बहुत जल्दी नोटिसफाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पेमेंट मोड क्या है। तो पे द एग्जाम फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, SBI ई चालान फीस मोड ATC। तो कोई भी कैंडिडेट अपनी फीस को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI ई चालान के माध्यम से कर सकता है। नेक्स्ट है कि एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं कि जो 18 ईयर है मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर है और एज से किसी प्रकार की रिलैक्सेशन यानी छूट पाने के लिए लोग कि किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलेगी उससे संबंधित जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट फर्स्ट क्लास 12th इंटरमीडिएट एग्जाम विथ CCC एग्जाम फ्रॉम डॉयक सोसाइटी, यानी कैंडिडेट के पास कम से कम इंटर की डिग्री होनी चाहिए और साथ में वो CCC किया हो। नेक्स्ट है कि इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 पर मिनट, यानी कि साथ में टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए जो कि 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। और वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं कि किस पद इस पद के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो जूनियर असिस्टेंट पद है जिसमें जनरल की कैटेगरी जनरल में 659 यानी 6,659 पद हैं, OBC में 282, SC में 216 और ST में 29 पद है और कुल हमारा 1,186 पद हैं। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देखने के लिए आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लिंक है वहाँ नीचे दे दी गई है और आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, फीस भी पेमेंट कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद जो फॉर्म है उसका प्रिंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसे सीधे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।